दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द इंडियन स्टैक पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर गया हूँ। इस बिजनेस से आप विद प्रूफ के साथ में दिन का 30,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए डंके की चोट पर गारंटी के साथ में कमा सकते हैं। मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आप इस बिजनेस से इतना पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है उनमें से अगर कोई भी बंदा मुझे ये कह दे कि मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, जो बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ, मैं आपको इसके अंदर गलत एडवाइस कर रहा हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, तो वो मेरे चैनल के ऊपर आकर मुझे कमेंट कर सकता है, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकता है। और जो बंदा मेरे को बोलेगा वो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, अगर कोई भी बंदा मुझे गलत ठहराता है इस बिजनेस के लिए। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, उनमें से उसके एक दो दुश्मन जरूर होते हैं। उसी प्रकार से हमारे चैनल के ऊपर 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जिसमें से 4-5 लोग ऐसे हैं जो वीडियो को कंप्लीट भी नहीं देखते हैं, 2 सेकंड का वीडियो देखने के बाद ही उस पर डिसलाइक मार देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे लोग आते हैं जाते हैं और चले जाते हैं, ऐसे लोगों से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अगर हमारी वजह से, हमारी मेहनत की वजह से अगर कोई भी एक इंसान कामयाब होता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। 2 लाख लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से अगर एक भी बंदा कामयाब हो गया तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, और भी अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। मैं कभी भी शांत नहीं होने वाला हूँ। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जितने लोग मेरे चैनल के थ्रू कामयाब होते हैं उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ये खुशी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए मुझे देते हैं तब भी मुझे ये खुशी नहीं मिलने वाली जितनी खुशी किसी की मदद करने से मिलती है। और ये मदद मैं लाइफ टाइम जिंदगी भर मरते दम तक करता रहूंगा। जो लोग मेरे से जलते हैं वो ऐसे जलते रहेंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बिजनेस की बात करते हैं। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे बनाना है, कैसे मार्केट में सेल करना है, जितनी भी जानकारी है, कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है, सारी जानकारी कंप्लीट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज नुकसान खा बैठोगे। दोस्तों मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं, यह जो पेड़ है आपको हर घर में मोस्टली 50% घर के अंदर मिल जाता है। अगर घर के अंदर नहीं मिलता है तो किसी भी गांव में, शहर में, कहीं पर भी, कहीं के भी आप रहने वाले हो, हर जगह आपको मिल जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जामुन के बिजनेस के बारे में। दोस्तों जामुन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जामुन का टेस्ट भी आपने किया होगा, आप लोगों ने जामुन खाया भी होगा। जामुन खाने के बाद में आप जो इसकी गुठली होती है उसको नीचे फेंक देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी गुठली जामुन से कई गुना ज्यादा महंगी होती है। जामुन के जो पत्ते होते हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, गुठली से भी ज्यादा जामुन के पत्ते होते हैं। तो दोस्तों यकीन करिए कि आप इस बिजनेस से कितना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपको हर जगह जामुन मिल जाएगा, जामुन के पत्ते मिल जाएंगे, जामुन खाने के बाद में जामुन की गुठलियां भी मिल जाएगी। अगर आप लोग एक बड़े लेवल के ऊपर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना होगा। अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको गुठली खरीदनी होगी, जामुन के पत्ते खरीदने होंगे। अगर आप दोनों बिजनेस एक साथ करना चाहते हैं तो दोनों बिजनेस आप एक साथ कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ही करना चाहते हैं, सिर्फ पत्ते का बिजनेस करना चाहते हैं, गुठली का नहीं करना चाहते, तो आप एक भी कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। जामुन की गुठलियां आपको खरीदनी है या फिर आपको कहीं पर भी मिल जाती हैं, वो आपको एकत्रित करनी होगी, जामुन के पत्ते एकत्रित करने होंगे। दो चीज आपने एकत्रित कर ली, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में हमें इनको सुखाने के बाद में आपको मैं वीडियो में दिखाने वाला हूं कि कैसे यह जो इसका प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसका जो पाउडर है वो कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। दोनों चीजों को खरीदने के बाद आपको इसे सुखाना होता है। सुखाने के बाद में जो मिक्सी होती है, जो कि हर घर में अवेलेबल होती है, अगर आपका बजट नहीं है तो आप उस मिक्सी से इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद में इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन जाता है, उस पाउडर को हमें मार्केट में सेल करना होता है। अब हमने मिक्सी भी ले ली, अगर नहीं है तो आप इसे खरीद सकते हैं, 1,500-2,000 में आपको मिल जाती है। उसके बाद में आपने पाउडर भी बना लिया। पाउडर बनाने के बाद में क्या करना है दोस्तों, पाउडर बनने के बाद में हमें इसकी पैकेजिंग करनी होती है।
पैकेजिंग के लिए आपको एक छोटी सी मशीन आती है जो कि 800 रुपए के करीब आपको मार्केट के अंदर मिल जाती है। उससे आपको कुछ पोलोथीन्स भी खरीदनी होती है। कुछ पोलोथीन्स खरीदने के बाद में उसे आप पैकिंग से, जो पैकिंग मशीन आती है 1800 रुपए की आती है, उससे उसे पैक कर सकते हैं, ऊपर से उसे कंप्लीट बांध सकते हैं। उसके बाद में आप इसे मतलब 100 ग्राम के पैकेट बना सकते हैं, 20 ग्राम के बना सकते हैं, 1 केजी का बना सकते हैं, 50 केजी का बना सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन कौन से साइज के पैकेट आप इसे पैकिंग में बना सकते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद में हमें एक लाइसेंस की जरूरत होती है और एक जीएसटी नंबर की जरूरत होती है। दोस्तों जीएसटी नंबर तो हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें हमें उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपका मात्र 1500 रुपए का खर्चा होने वाला है। 1500 रुपए में आपको जीएसटी मिल जाता है। इसके बाद में हमें फूड लाइसेंस लेना होता है, FSSAI का लाइसेंस लेना होता है, जिसकी कॉस्ट 1500 से लेके 2500 रुपए तक होती है। दोनों चीजें लेने के बाद में आपका काम कंप्लीट हो जाता है। जीएसटी नंबर लेंगे, लाइसेंस लेंगे तो उसके अंदर एक नाम भी चाहिए होगा, आपके ब्रांड का नाम भी चाहिए होगा, तो अपने ब्रांड का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं अपनी मन मर्जी के हिसाब से। ये सारी चीजें हो गई, हमने प्रोडक्ट भी खरीद लिया, उसे बना भी दिया, उसके लिए लाइसेंस भी ले लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो बात ये आती है कि हमें इसे मार्केट में सेल कैसे करना है। देखिए दोस्तों, आप इसे तीन तरीके से मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होलसेलर्स, आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर बिना मतलब कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो शॉप्स होती है, दुकानें होती है, या फिर जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहां पर आप इसे सेल कर सकते हैं होलसेल रेट में। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या आता है दोस्तों, आप इस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऑनलाइन साइट्स का सहारा ले सकते हैं। ऑनलाइन जो साइट्स होती है जैसे अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, वहां पे आपको सेलर अकाउंट बनाना होता है। सेलर अकाउंट के लिए जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड होता है, जो कि हमने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया कि जीएसटी नंबर लेने के बाद ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वहां से जीएसटी नंबर लेने के बाद में आप सेलर अकाउंट आसानी से बना सकते हैं और वहां पर अपने प्रोडक्ट की फोटो खींचकर उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आपके पास में कोई भी ईमेल आता है, कोई भी मैसेज आता है, तो आप उनको होम डिलीवरी के थ्रू प्रोवाइड करवा सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन आता है दोस्तों हमारे पास में, वो ऑप्शन ये होता है कि आप किसी एक ही बंदे को सारा प्रोडक्ट तैयार करके दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही बंदे को सारा प्रोडक्ट आप इकट्ठा करके 50 केजी, 100 केजी, 500 केजी, जितना चाहे उतना आप दे सकते हैं। उसके लिए go4world.com एक वेबसाइट आती है, जो कि आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और काफी वीडियोज में मैंने बता भी रखा डिटेल से। वहां पर जाने के बाद में आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि हमने जीएसटी नंबर ऑलरेडी ले रखा है, हमारे पास में लाइसेंस भी है, हमारे पास में ब्रांड का नाम भी है, ये तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट वहां पर भी होती है। तो अगर हमारे पास में तीनों चीजें हैं तो go4world.com की वेबसाइट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट के अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद में आपको दुनिया भर के बायर्स वहां पर मिल जाते हैं, आप वहां पर उन बायर्स को यह प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट के अंदर अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर जो गुठली जो पाउडर है उसकी प्राइस 1900 रुपए है और जो पत्तियों का जो पाउडर है उसकी प्राइस है 2890 रुपए। यकीन कर लीजिए दोस्तों कितना ज्यादा प्रॉफिट आपको इस बिजनेस से होने वाला है। अब हम आपको दिखाने वाले इस वीडियो के अंदर कि आप इसे कैसे बना सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अगर कोई भी जानकारी आपको समझ नहीं आई है हमारी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको 101% रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जामुन का हमने बीज को निकाल करके रखी हूँ, इसे हम क्या करेंगे इस तरह से फैला करके कम से कम 2 से 3 दिन के धूप में अच्छे से इसे सुखा लेंगे। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तो इसको हम एक अच्छा सा फाइन पाउडर बना करके डब्बे में बंद करके रखेंगे और आने वाले वीडियो में इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो आप इसे देखना ना भूलें। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए और बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसे हम 2 से 3 दिन के धूप में, 2 दिन के धूप में अच्छे से सुखा ली हूँ। आप आवाज सुन सकते हैं कितना अच्छा सा सूख के रेडी हुआ है। अब हम एक मिक्सर जालेंगे, इसमें इसे हम डाल करके पीस लूंगे।
इसके छिलकों को हमें हटाना नहीं है, छिलकों के साथ इसे हमें पीस लेना है। ये बहुत ही मेडिकेटेड है, खासकर डायबिटीज वालों के लिए, तो इसे हम पीस। ये हमने इस तरह से देखिए एकदम ही बारीक सा पाउडर बना करके रेडी कर लिया हूँ। इसे छानने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप इसे छान भी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा बन